पर्दे पर पांव रखते ही लग जाती है डायरेक्टर की लॉटरी। 1000 करोड़ की करवा चुका है कमाई। अब की बार गदर में ऐसा मचाएगा तूफान, पीछे छूट जाएंगे शाहरुख खान। कौन है गदर फिल्म का विलेन जिसके सामने अमरीश पुरी भी हो जाएंगे फेल? अशरफ अली का किरदार ऐसा छाएगा, बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। साउथ इंडियन फिल्म की एक क्लिप में दिलाया अमरीश पुरी के लेवल का काम। किस्मत बदलते देर नहीं लगी, जिसके सामने था फिल्मों का टोटा, उसी की किस्मत चमक गई। अक्सर किसी फिल्म में हीरो कौन है, लोगों में इस सवाल का जवाब जानने की कौतूहलता होती है, लेकिन गदर 2 के लिए ये सीन बिल्कुल उल्टा है। हम आपको गदर 2 के विलन के बारे में क्यों बता रहे हैं, सच्चाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गदर फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार के सामने अब की बार ऐसे जनरल की एंट्री होने जा रही है जो फिल्मी पर्दे पर आग लगा देगा। हाल ही में जिसने 1000 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म में काम किया है, उसके आते ही सारे रिकॉर्ड अपने आप टूट जाएंगे। शाहरुख सलमान तो पीछे ही छूट जाएंगे। बार बार ये सवाल फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा से पूछा जा रहा था कि इस बार गदर 2 में विलन कौन होने वाला है, और इसका जवाब ट्रेलर से दिया जा चुका है। मनीष वाधवा फिल्म में पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर का रोल निभाएंगे और यही तारा सिंह के सामने चुनौतियां पैदा करेंगे। वहीं अब ट्रेलर के आते ही मनीष वाधवा की तुलना दिग्गज एक्टर अमरीश पुरी से होने लगी है। भले ही अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी ऐसे लगते हैं जैसे आंखों के सामने घूम रहे हो। जब गदर में विलन के किरदार को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि उनके जैसे 100 एक्टर भी अमरीश पुरी के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। उनके मुताबिक उनकी अच्छी किस्मत थी कि वो इस फिल्म का हिस्सा बने हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीष वाधवा को ये फिल्म उनकी मेहनत और किस्मत की बदौलत मिली है। गदर 2 की मेन कास्टिंग वैसी ही है, लेकिन कुछ कलाकारों को ढूंढना मेकर्स के लिए टेढ़ी खीर था। उनमें से एक था फिल्म के लिए सही विलन को चुना जाना। पिछली बार ये भूमिका अमरीश पुरी ने बखूबी अदा की थी। अब कोई उन्हीं की टक्कर का चाहिए था जो नामुमकिन था। खोज हुई लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी लेकिन विलन का कहीं अता पता नहीं था। तब अनिल शर्मा के पास एक क्लिप आई जो साउथ इंडियन फिल्म की थी और उसने मनीष वाधवा थे। उसे देखने के बाद उन्होंने मनीष को फोन कर बुलाया और ये रोल उन्हीं का हो गया। ट्रेलर देखकर उनके काम की तारीफ भी खूब हो रही है। मनीष वाधवा टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं। उन्होंने हीरो गायब मोड ऑन, कहत हनुमान जय श्रीराम, क्राइम पेट्रोल, सिया के नाम, चंद्रगुप्त मौर्य, आम्रपाली, देवों के देव महादेव जैसे कई पॉपुलर शोज किए हैं। उन्होंने कुछ फिल्में जैसे पद्मावत, मणिकर्णिका, पठान में भी काम किया है। इस बार मनीष वाधवा ठीक वैसा ही रोल निभा रहे हैं जैसे गदर के पहले पार्ट में अमरीश पुरी ने निभाया था। ऐसे में लोग ये तुलना कर रहे हैं कि मनीष वाधवा क्या अमरीश पुरी जैसी एक्टिंग कर पाएंगे। अमरीश पुरी संग तुलना पर उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि ये जनरल ज्यादा खूंखार है, क्योंकि पहली फिल्म में पिता का इमोशन जुड़ा हुआ था, यहाँ वैसा कोई इमोशन नहीं है। इस फिल्म में विलेन का रोल पूरी तरह तारा सिंह पर फोकस रखेगा। उसे सिर्फ तारा सिंह चाहिए होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इस रोल को देखने के बाद अगर वो पुराना वाला दौर होता तो जहाँ लोग नाराज हो जाते, चप्पलें पड़ती, वैसा कुछ होता मेरे साथ। गदर फिल्म सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा अमरीश पुरी ने अपनी धमाकेदार एक्टिंग से सभी को खूब इम्प्रेस किया था। वो फिल्म में विलेन के रोल में थे। अब फिल्म के सीक्वल में विलेन का रोल एक्टर मनीष वाधवा निभाने जा रहे हैं। वो फिल्म पाकिस्तान आर्मी जनरल के रोल में होंगे।